हेलो बच्चों, आज हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आया है, तो हम इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं और बनाते हैं। ए लाइन पी क्यू 80 mm लॉन्ग। पी क्यू क्या है? एक लाइन है। पी क्यू एक लाइन है जो कि 80 mm लॉन्ग है। इट्स एंड पी, इसका जो एंड पी है वो 20 mm क्या है? एबव है, एचपी से 20 mm एबव है और 30 mm इन फ्रंट है। द टीवी, टीवी कहने का मतलब है टॉप व्यू एसेट एंड टीवी इसका 50 है और एफ भी इसका 65 है, तो इसका प्रोजेक्शन, सिर्फ इसमें प्रोजेक्शन निकालना है। जबकि हम आगे एक क्वेश्चन और देखेंगे आरजीपीवी का, उसमें इसका प्रोजेक्शन भी निकालना है और साथ ही साथ इंक्लिनेशन भी निकालना है, तो वो क्वेश्चन भी आप अवश्य देखें। दोनों आप जब देखेंगे तो आपको जो है पूरा कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा, फिर आपको तो हम आपको बराबर बोलते हैं कि क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। सबसे पहले आपको रेफरेंस लाइन लेना है, तो रेफरेंस लाइन हम लेते हैं एक्स वाई। रेफरेंस लाइन एक्स और वाई लिया गया। अब सवाल यह है कि रेफरेंस लाइन लेने के बाद हम दूसरा काम क्या करेंगे? तो रेफरेंस लाइन लेने के बाद हम दूसरा काम यह करेंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसमें आपको पता है कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ है, तो फ्रंट व्यू आपका ऊपर में है, फ्रंट व्यू यहाँ है, टॉप व्यू आपका नीचे में है। तो पी कहाँ है? 20 mm एबव है, एचपी से 20 mm एबव है। तब आपको सोचना है कि पी जो है 20 mm इस एक्स वाई के नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा। तो एबव है यानी कि ऊपर बनेगा, तो 20 mm हम ऊपर ले लेते हैं। और इसके पैरेलल में इसको लाइन बना देते हैं। उसके बाद 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। जब इन फ्रंट होगा 30 mm और जब हम उसे सीधा करेंगे तो हमें नीचे की तरफ बनेगा, तो 30 mm हमें नीचे भी बना देना होगा, 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। यानी कि लाइन इस तरह से है। अब हम इसको इंडिकेट करेंगे, डायमेंशन कर देंगे 20 एंड 30। डायमेंशन करने के बाद हम अगला, इस दोनों, इन तीनों लाइन के बीच में कहीं पर भी एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एक्स वाई के वर्टिकल में एक लाइन खींचेंगे। इस तरह से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। अब हमको पता है कि पी कहाँ है, तो 20 mm एबव है, 20 mm एबव है और 30 mm इन फ्रंट है, पी ही दोनों जगह है। तो यहाँ हम यदि पी लिखते हैं तो ऊपर में हमको पी डैश देना होगा। अब अगला कहता है कि टी भी एंड एफ भी 50 और 65 है, तो हम यहाँ से 50 लेंगे और यहाँ से 65 लेंगे।
इस तरह से 50 लिया है और इस तरह से हमने इसको 65 लिया है। अब सवाल यह है कि हमको पता है कि ऊपर में फ्रंट व्यू है और नीचे में टी व्यू है यानी टॉप व्यू है, तो टी व्यू कहता है टी व्यू जो है वो 50 है, तो टी व्यू यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हम 50 लिख देंगे। एंड एफ भी कितना है तो 65 है, तो एफ भी के बगल में हम 65 लिख देंगे, 65 लिख देंगे। एफ भी 65 है तो ये लाइन नीचे की तरफ जाएगा, ये लाइन जो है नीचे की तरफ जाएगा और ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ क्यों खींचा गया, ये चूंकि यहाँ से यहाँ तक 65 है, हम इसको 65 इंडिकेट कर देंगे और ये चूंकि 50 है तो हम इसको 50 इंडिकेट कर देंगे, डायमेंशन दे देंगे। अब क्या करेंगे, चूंकि हमको पता है कि इसका एक्चुअल लेंथ कितना है 80 है, तो हम कंपास की सहायता से 80 का आर्क लेकर के 80 का आर्क लेकर के पी डैश से इसे काटेंगे और पी से इसको भी काटेंगे। जहां पर यह कट रहा है वहां से एक्स वाई के पैरेलल में लाइन खींचेंगे। और यहां से कट रहा है तो पी के पैरेलल में भी हम लाइन खींचेंगे। अब पी और जहां पर कटा उसे मिलाएंगे जो कि हमें एक्चुअल लेंथ बताएगा। एक्चुअल लेंथ ये और ये लाइन हमें एक्चुअल लेंथ बता रहा है। यदि इधर P है तो इस इधर हम Q देंगे और ऊपर में हम Q डैश देंगे। अब क्योंकि F भी कितना है 65 है, तो हम क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 65 है, तो यदि हम आर्क लेंगे तो इसको हम कहीं पर भी ले जाएंगे, तो चूंकि त्रिज्या बराबर होती है इसे जहां पर काटेगा उसे मिलाएंगे तो हमें 65 का मिल जाएगा डिस्टेंस। अब हम इसकी सहायता से 65 लेकर आर्क बनाएंगे, क्योंकि 65 हमें यहीं पर कट रहा है इसलिए इसे देना पड़ रहा है, यह आगे पीछे फिसले नहीं, आसानी से बन जाए। साथ ही साथ हम नीचे के पार्ट्स को, चूंकि टीवी 50 है
तो हम यहाँ से 50 लेंगे। अब हम इसे यहाँ रख कर इसका भी आर्क 50 बनाएंगे। जहाँ पर कट रहा है उन दोनों को मिलाएंगे। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा ये एक्चुअल मिल जाएगा। ये TL है, यानी कि एक्चुअल TL ट्रू लेंथ है, जिसका कि साइज 80 है। ये भी ट्रू लेंथ है, TL है, जिसका कि साइज 80 है। लेकिन ये Q डैश है, तो इसका नाम हम Q1 डैश देंगे, इसका नाम Q2 डैश देंगे। अब हमें इन दोनों को मिला देंगे, क्योंकि दोनों एक ही सीध में आएंगे। तो इस तरह से हमें इसका प्रोजेक्शन मिल जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चूंकि TB 50 है, तो हम यहाँ से 50 लेंगे। इसको इस तरह से हम करेंगे तो भी हमें 50 ही मिलेगा। ये चूंकि 65 है, तो अगर हम यहाँ से इसको 65 करते हैं, ये भी हमें 65 ही मिलेगा। ये हमें 65 मिलेगा और ये हमें 50 मिलेगा। लेकिन हम जब RGPB का क्वेश्चन देखेंगे, उसमें हमको इस प्रोजेक्शन बनाना है, साथ ही साथ हमें इसका एंगल भी निकालना है। तो उसे हम अगला वीडियो में देखेंगे। उसे आप मिस नहीं करें, उसे ज़रूर देखें। दोनों क्वेश्चन को समझने से आपका पूरा कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा, आप बहुत ही आसानी से इसे बना पाएंगे। धन्यवाद।